हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आई रेडी हो आप सब अच्छे हो? मैं भी अच्छी। एक्चुअली हम लोग का आज क्लास है नहीं, बट जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि आज यूनिफॉर्म फिटिंग से हमारा, और जो हम लोग मेजरमेंट दिया था यूनिफॉर्म का, तो आई थिंक यूनिफॉर्म बन गया हम लोग का, तो आज जाना पड़ेगा 10 बजे से 2 बजे तक यूनिफॉर्म फिटिंग। सो अगर यूनिफॉर्म फिट आ गई तो हम लोग लेके आ जाएंगे, शायद नहीं आए तो फिर से देना पड़ेगा, टाइम है क्योंकि। इसलिए सो कीप वॉचिंग द ब्लॉग और मैं अपडेट देती रहूँगी अब लोग क्या चल रहा था और कब जाएगी तो हम लोग निकलते हैं। देविता बैठी हुई बोल रही थी, ये हमारा मैडम सामने बैठे हैं। देविता खाना लेके आई किंग चिल्ली के साथ, खाना वाना ले जाके मटा मटा के चल के हमारा सी आ रही है, लड़का सी आ रहा है। हाय गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन अभिनंदन करते हो। मैं रोहन नहीं, मैं रायन का परछाई हूँ। मैं क्या रायन? रायन ये है, रायन भाग रहा है। परछाई नंबर वन, और कुछ बोल रहा है। इनका ब्लॉग है। हाय गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आगे फोटो लेंगे। उसका तो देखो, ऐसा नहीं, मैं भी देख रहा हूँ। ब्रेकफास्ट करने चलते हम लोग। लाओ कभी ना। हाय ध्रुव, गुड मॉर्निंग। चलो ये तो रायन है। हाय, ये देखो हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट, समोसे और सुप्रिया लेके आए हैं राइस तो मैनेजमेंट। क्या क्या बोल रही थी अभी, वो बोलना। सीआरएम क्या होता है? सीआरएम जो होता है, मैंने जो बोल दिया वो होता है। क्या होता है? अरे फुल फॉर्म में पूछना मेरी माँ। गंदा 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 सियार हमारा, जो काम ही नहीं करता बिल्कुल। बीच का ब्रोकर यूनिफॉर्म लेके जा रही है ट्राई करने के लिए। फिट तो अच्छी आ रही है, फुल मिरर नहीं है। नीचे ट्राउजर पहनते हैं यहाँ पे, तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि फुल मिरर नहीं है यहाँ पे। There is this logo, Akasa ka haath mein ek skirt hai. Very comfortable. I love the uniform. हाँ अभी फुल दिखेगा यहाँ पे, सो ग्रे कलर ऐसा रहता है। तो यूनिफॉर्म ट्रायल तो कब का हो गया हम लोग का, बट बैठे है क्योंकि कैब हम लोग के लिए शेड्यूल किया 2 बजे का, क्योंकि 10 से 2 बजे तक का है, तो कैब भी 2 बजे मिलेगा। तो अपने से खुद से लेके भी नहीं जा सकते, कैब से ही जाना पड़ेगा कंपनी के, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं अभी टाइम पास इधर उधर जाके। कीप वॉचिंग द व्लॉग। तो यूनिफॉर्म लेके हम लोग जा रहे हैं वापस घर। मेरा नसीब खराब है, मेरा 6 के 6 टाइम टाइम। गुड लक, चलो बाय, सी यू। बाय गाइस। क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्या भाग के जा रहे हो? आई देख कैसे लेके जा रहा है कैमरा, को क्या हो गया मेरा। बाय मैम, चलते घर पे। की वॉचिंग द व्लॉग। फिल्टर डाल दी इधर, रियल वाला देखा, रियल फिल्टर। बहुत गर्मी है, गुड़गांव में सर गर्मी।
तो सो गई थी मैं, थोड़ा टाइम नैप लिया आके, बहुत गर्मी है तो नींद आती है बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि आकाशा से रिलेटेड ब्लॉग डालो ये वो, तो यस तो जो क्वेरीज था आप लोग का वो क्लियर करना था मुझे, इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और रही बात आकाशा मतलब ट्रेडिंग के बारे में ब्लॉग डालना, तो वो एवरी डे इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सच में अभी सेफ चल रहा है ना सेफ्टी, तो उसमें ध्यान देना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है। बिकॉज मैंने वर्म फ्लाई किया है बट काफ़ी साल हो गया उसको, देन आई वॉज फ्लाइंग एयरबस, अभी फिर से ट्रांजिशन हो रहा है, आई एम फ्रॉम एयरबस टू बोइंग, इसलिए जितना भी जान लो थोड़ा बहुत पढ़ाई करना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रोसीजर वाइज चेंजेस रहता है थोड़ा बहुत। वो हो गया और टाइम भी सच में नहीं मिल रहा, पूरा दिन क्लास करके आके टाइम नहीं मिल रहा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट योर। तो एटलीस्ट मैंने ऐसे सोचा था कि मैं 2-3 दिन या 4-5 दिन के गैप में करूँगी, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा। तो एवरी संडे आई बीन ट्राइंग टू अपलोड व्लॉग्स, तो हो गया। सो लेट्स स्टार्ट राइट फ्रॉम द इंटरव्यू, आकाशा के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट। तो या तो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, जैसे मैंने ऑनलाइन अप्लाई करी थी, यू हैव टू गो टू देयर वेबसाइट, आकाशा का वेबसाइट में करियर्स पे जाना है, देन यू हैव टू चूज कैबिन क्रू डिपार्टमेंट, उसमें रहेगा। एक्सपीरियंस का भी अभी खुला है नया ना, तो फ्रेशर का भी है, यू अप्लाई देयर, देन यू गेट एन ईमेल विद इन अ वीक और सो आई थिंक, वहाँ पे आपका शेड्यूल वगैरह सब कुछ करेंगे इफ़ यू गेट सिलेक्टेड स्क्रीनिंग में ऑनलाइन और सब में। तो उसके बाद आपको मेल आएगा, देन शेड्यूल करेंगे कहाँ पे इंटरव्यू होगा आपका, जैसे हम लोग गए थे ठीक है, वैसा हो गया एक हो गया। सेकेंड आप ऑनलाइन वहाँ से करके डे माई टेक यू इंटरव्यू ऑनलाइन ओनली फर्स्ट सेकेंड, जैसे हमारा था पर्सनल इंटरव्यू BMI चेक, वो आई थिंक BMI चेक आपको लास्ट राउंड में मुंबई या दिल्ली जाके देना पड़ेगा। तो 2 राउंड हो, मैंने जितने लोग से पूछा ऑनलाइन वाला, क्योंकि मैंने ऑनलाइन वाला नहीं किया, तो लोगों ने बोला मुझे ये कि 2 बार इंटरव्यू होता है यहाँ पर वीडियो कॉल में, देन यू हैव टू गो टू बॉय और दिल्ली लास्ट राउंड के लिए। तो वो हो गया, तो उसके बाद सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, डे डिलीवर 3 दिन के अंदर आपको अगर मेल आ जाता है तो वो रिजेक्शन मेल होता है, इफ़ यू आर सिलेक्टेड देन 1 हफ्ता लगेगा प्रोसीजर और सब, देन आपको ऑफर लेटर आएगी और सब, मेडिकल्स करने हैं आपको, बहुत सारा वो प्रोसीजर होता है। आप लोग को डेविल की मेलिंग हो तो बताएंगे उसको, उतना वो नहीं चाहिए आपको, वो लोग सब गाइड कर लेंगे आपको, उसका टेंशन मत लीजिए। हाँ, आफ्टर कमिंग इन टू दिल्ली फर्स्ट थिंग 3 दिन का अकोमोडेशन देंगे, मतलब उसके साइड से नहीं, यू हैव टू बियर योर एक्सपेंसेस। जैसे मैं दिल्ली आई थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने रहने और रेंट का या फिर जो भी बोलो पीजी का इंतजाम किया था, तो मैंने पैसे नहीं दिए थे खुद से, तो यहीं पे रह लिया था, वो 3 दिन का रीइंबर्समेंट हो जाता है ठीक है, तो मैंने वो नहीं किया था, वो हो गया 3 दिन का मिलेगा। और जो आप आ रहे हो फ्लाइट टिकट करके, यूजली आई थिंक एयरलाइंस बेयर करते हैं टिकट्स का भी, बट सिंस आकाशा इज़ वेरी न्यू कि ज़्यादा डिपार्चर्स है नहीं आपके, सो फ्लाइट टिकट भी आपको खुद से करके आना है, बाद में फर्स्ट सैलरी के साथ जितना आपको पैसा गया है फ्लाइट टिकट का या रहने का, दे विल रीइंबर्स इट, डू नॉट वरी। वो हो गया ज्वाइनिंग में, फर्स्ट डे जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे यहाँ पे, तब यू हैव टू पे एज अ फ्रेशर, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ फ्रेशर, यू हैव टू पे 50,000 रुपीज कंपनी को, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस बोलते हो लोग। फॉर एन एक्सपीरियंस क्रू यू विल सबमिट ओनली अनडेटेड चेक, साइन होगा आपका, अमाउंट लिखा रहेगा 50,000 रुपीज, डेट नहीं डालोगे। सो व्हाट हैपेंस हियर, वी आर नॉट सबमिटिंग एनी कैश ठीक है, या जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वट एवर, बट इफ यू आर लिविंग द कंपनी विद इन नो डोज पीरियड, जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल 5 साल जो भी है, अगर उससे पहले आप छोड़ देते हो तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट जो भी अभी 50,000 मैंने जो बोला वो डिडक्ट हो जाएगा व्हेनेवर यू आर लीविंग द कंपनी। सो हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग तो 3 महीने का रहता, आप लोग को मैंने बता दिया है जो जो मेरा हुआ है, अभी मेरा सेफ्टी चल रहा है। सो मंडे मेरा लास्ट इवैल्यूएशन वगैरह होगा, डोर ऑपरेशन इमरजेंसी वगैरह, ट्यूजडे रिटर्न एंड बाय बाय एग्जाम हो गया हमारा। उसके बाद
तो यहाँ पे अच्छा ये है कि इवन यू नो ये गुड टू सेलिब्रेट दिवाली ईद एवरीथिंग, जो मोस्टली दूसरा कंपनी में आई थिंक नहीं देते हैं, पता नहीं मैं जहाँ पे थी वहाँ पे तो नहीं मिलता था ट्रेनिंग में भी, यू हैव टू कम एंड अटेंड अ ट्रेनिंग। यहाँ पे वैसे नहीं, ईद का ऑफ मिला हम लोग को, दिवाली का ऑफ मिला, फिर वीकेंड ऑफ मिलता है सैटरडे संडे, नॉट एवरी सैटरडे संडे ऑफ बट इन बिटवीन, तो वो हो गया। हाँ, सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कंपनी विल प्रोवाइड कैब्स फॉर यू, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आए मुझे, और खाना वाना कंपनी के अंदर, ठीक है। सो 8:30 टू 4:30 इन द इवनिंग, 8:30 इन द मॉर्निंग 4:30 इन द इवनिंग आपका वो होगा ट्रेनिंग होगा, मंडे होगा 9 बजे से 5 बजे तक, बाकी ट्यूजडे टू फ्राइडे और सैटरडे वो 8:30 से 4:30 होता है। जो आप ट्रेनिंग पे हो वो टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस है अपना खाने का, यू हैव टू बेयर द एक्सपेंसेस, ये कहीं भी कंपनी कोई भी कंपनी में नहीं देते इंडिया में, एटलीस्ट मुझे जितना पता है, खाने का यू हैव टू बेयर द एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये कंपनी कैब आएगा ट्रेनिंग के दौरान, पिक एंड ड्रॉप, एकोमोडेशन खुद से लेना है, 3 दिन का ही वो लोग पैसे रिइंबर्स करेंगे अप टू मैक्सिमम ऑफ 3,000, ठीक है। और कैब तो मिल गया, ठीक है। पर्सनली आई एम लविंग इट हियर क्योंकि इट्स अ न्यू कंपनी, सो मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, और मेरे लिए तो पर्सनली बोलो तो इट्स लाइक ए वेकेशन फॉर मी। आई मिस फ्लाइंग ऑल्सो, क्योंकि रोज़ सुबह उठ के जाना पड़ा है, इवनिंग को आते फिर घर जाते सोते, तो वही सर्कल में चल रहा है, फ्लाइंग वैसे नहीं होता है, अर्ली मॉर्निंग ऑफकोर्स वी डू फ्लाई बट रोज़ नहीं होता है, सेम शेड्यूल अलग होता है, तो आई वॉज यूज टू अपना फ्लाइंग वाला शेड्यूल में, ये मेरे लिए बहुत ना, इट्स लाइक 95 जॉब, फ्लाई नहीं करके भी अच्छा लग रहा है बट मिस भी कर रही हूँ फ्लाइंग, तो आई होप जल्दी हम लोग को ख़त्म हो जाए, ट्रेनिंग रैपअप हो जाए और मैं फ्लाई करना चालू कर दूँ। और अभी तक मेरा जून 1st वीक को है मेरा ग्रेजुएशन अभी तक का, तो कन्फर्म नहीं है बट अपडेट करती रहूँगी मैं। और मुझे सच में नहीं पता व्हाट आई एम मिसिंग आउट अभी ये सब में, सैलरी स्ट्रक्चर तो आप लोग को बता दें, देखो मैं बताती हूँ, इंडिगो का जितना बेसिक है ना उतना ही होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे, अगर आप लोग को इंडिगो का सैलरी पता है तो इसलिए मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ, जिनको इंडिगो का सैलरी पता है बहुत अच्छे थे, वेरी अप्रोचेबल, ठीक है। और क्या बोलो, बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स, मोस्ट ऑफ देम तो आई नो ऑलरेडी फोन रखो, तो मेरे लिए तो भी अच्छा है, अच्छा है मतलब इतने अपना अपना लगता है वो बोल के अच्छा है, बट ठीक है, आई लाइक इट यार। अपने आप लोग को इंटरेस्ट है प्लीज़ यू नो डोंट हेजिटेट, अप्लाई करो, कुछ नहीं होगा, रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में, कुछ अच्छा चाहिए तो। आई विल एंड द वीडियो योर क्वेरीज हो और भी तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मुझे और याद नहीं आ रहा है कि मुझे आई शुड हैव रिटन इट समवेयर जो भी क्वेरीज है, पर मैंने किया क्योंकि बहुत सारा काम है, आई एम स्टडी पूरा हफ्ता नहीं पढ़ा है मैंने, एग्जाम से पहले पढ़ने का आदत है मेरे को, तो आई हैव टू स्टडी नाउ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो एंड एज आई सेड, कोई भी क्वेरीज हो अभी भी तो प्लीज़ कमेंट नाउ, लेट मी नो, आई विल यू आंसर इट नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छा लगे तो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।